हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सब बच्चों का वेलकम है आपके अपने चैनल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में। सो आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, इसमें हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 9th। इंग्लिश सब्जेक्ट है और ये वर्कशीट आपके लिए 22 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। सो वर्कशीट को शुरू करते हैं और आज की वर्कशीट में राइटिंग पोर्शन से आपको करनी है डायरी एंट्री। प्रीवियस वर्कशीट्स में हम डायरी एंट्री के बारे में सीख चुके हैं, हम इसके फॉर्मेट के बारे में सीख चुके हैं कि किस तरह से डायरी एंट्री करनी होती है और किन किन बातों का ध्यान जो है वो डायरी एंट्री करते हुए रखना है। सो आज की वर्कशीट में दिया गया है आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और आपको जो सिचुएशन है वो बताई गई है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सिचुएशन, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पिक्चर्स आपको डायरी एंट्री लिखनी है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ओवर द लास्ट फ्यू डेज न्यूज़ मीडिया हैज़ रिपोर्टेड लार्ज गैदरिंग इन लोकल मार्केट्स एंड एट टूरिस्ट लोकेशंस। सो लास्ट फ्यू डेज में जैसे ही लॉकडाउन जो है वो कुछ लूज हुआ तो जो न्यूज़ मीडिया है उसने रिपोर्ट किया है कि बहुत सारी लार्ज गैदरिंग है लोकल मार्केट्स में टूरिस्ट लोकेशन पे विद अपेरेंट फ्लोटिंग ऑफ COVID-19 नॉर्म्स, यानी कोई भी COVID-19 के जो नॉर्म्स हैं, जो पेंडेमिक में के नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहा है। नॉट वियरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है डेस्पाइट गवर्नमेंट्स गाइडलाइन ऑन प्रिकॉशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड अ प्रोबेबल थर्ड वेव अप्रोचिंग, हाउ डू यू फील अबाउट इट। अब देखिए, जो पेंडेमिक के गाइडलाइन हैं, जो प्रिकॉशंस हैं और जो जिस तरह से थर्ड वेव अप्रोच कर रही है, तो आप इसमें कैसा फील कर रहे हो। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं एंड राइट अ डायरी एंट्री, और आपको डायरी एंट्री करनी है अबाउट व्हाट यू फील, कि आप कैसा फील कर रहे हो जो सिचुएशन है जिस तरह से थर्ड वेव अप्रोच कर रही है। लेकिन बहुत गैदरिंग है हिल स्टेशन पे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है मार्केट्स में, देन हाउ यू डू यू फील When you see such images, जब आप ऐसे pictures देखते हो। Also, how can a citizen help others by maintaining COVID appropriate behavior? और एक citizen होने के नाते किस तरह से हम जो लोगों को aware कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम दूसरों की help कर सकते हैं, तो ये कुछ बातें आपको अपनी diary में जो है लिखनी हैं। तो आप यहाँ पर pictures देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, gathering दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है, आपको डेट लिखनी है, उसके बाद देखिए डे लिखना है। ये हम प्रीवियस वर्कशीट्स में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से डायरी एंट्री करते हैं। पहले आपको डेट लिखनी है, फिर डे लिखना है, डियर डायरी, उसके बाद आपको मैटर लिखना है जो भी आपका कंटेंट है, एंड देन आपको अपना नाम लिखना है। तो आइए बेटा करते हैं डायरी एंट्री। सो इस तरह से आप डायरी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने लिखी डेट 22 जुलाई 2021, डे थर्सडे, डियर डायरी, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिखिए डियर डायरी, आई एम सो अपसेट टुडे, ठीक है, मैं आज बहुत अपसेट हूँ। यस्टरडे, देखिए बेटा हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में पढ़ा था कि जो डायरी होती है हमारी, वो हमारी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है। जिस तरह हम अपने बेस्ट फ्रेंड से अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, डायरी के अंदर भी हम अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, ठीक है, वो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम जो शेयर करना चाहते हैं वो सब हम डायरी में लिखते हैं। सो आई एम सो अपसेट टुडे, यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, कल जो है मैं मार्केट गई थी। आई शॉक टू फाइंड द इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ पीपल इन फॉलोइंग द कोविड प्रिकॉशंस, तो मैं लोगों को देखकर बहुत हैरान हुई कि किस तरह से लोगों का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कोविड के प्रिकॉशंस की तरफ, ठीक है। पीपल वर नॉट वेयरिंग मास्क, पीपल जो है उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। मैनी कैरिड मास्क इन देयर पॉकेट, तो जो है वो मास्क कहाँ था, पॉकेट में, एंड चूज टू वियर देम ओनली टू अवॉइड पेइंग फाइंस, और किस लिए पहन रहे थे, केवल फाइन से बचने के लिए। सम पीपल वर नॉट हैविंग मास्क एट ऑल, कुछों के पास तो मास्क नहीं था। सम इवन ब्लेम द स्कॉर्चिंग हीट एज अ रीज़न फॉर नॉट वियरिंग द मास्क, कुछ जो गर्मी है, हीट है, उसको ब्लेम कर रहे थे कि गर्मी ज़्यादा इसलिए मास्क नहीं पहने हुए हैं। द फियर फैक्टर इज लॉस्ट, लोगों का डर जो है वो ख़त्म हो चुका है। इवन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आर नॉट फॉलोड बाय द पीपल, सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म्स हैं
वो भी लोग जो है फॉलो नहीं कर रहे थे। पीपल स्टैंड हेयर एंड देयर इन ग्रुप्स, लोग ग्रुप्स में इधर उधर खड़े हुए थे, ग्रुप बना के खड़े हुए थे। शेयरिंग एवरी थिंग टू अदर्स व्हाट दे हैव, और हर एक चीज़ जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे जो भी उनके पास थी, खाने का सामान था। ठीक है, सो डियर डायरी आई एम सो हॉरिफाइड, तो डियर डायरी आई एम सो हॉरिफाइड टू फाइंड, मैं बहुत डर गई हूँ, आई एम सो हॉरिफाइड। हाउ पीपल एक्ट, यानी मैं बहुत अचंभित हूँ, आप ये कह सकती हो ना, मैं बहुत अचंभित हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ। हाउ पीपल एक्ट सो बैडली पुटिंग ऑल द COVID-19 नॉर्म्स ऑन स्टेक, कि लोग COVID-19 के जो प्रिकॉशन हैं उनको इस तरह से छोड़ के कैसे जो है इतनी बुरी तरह से जो है बर्ताव कर सकते हैं, कैसे नॉर्म्स को नहीं अपना सकते। न्यूज़पेपर कॉन्टिन्यूस वार्निंग अबाउट द अप्रोच ऑफ थर्ड वेव, न्यूज़पेपर जो है वो लगातार थर्ड वेव की अप्रोच की वार्निंग दे रहे हैं। आपने भी सुना है बच्चों, न्यूज़पेपर में, टीवी में ये न्यूज़ आती है कि थर्ड वेव में बहुत, और जो किड्स हैं, बच्चे हैं, वो और भी ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। हैज़ नो एनी इफेक्ट ऑन पीपल, और इस चीज़ का भी लोगों के ऊपर कोई जो है क्या नहीं हो रहा है, असर नहीं होता। हाउ पेनफुल इज दिस, कितना पेनफुल है ये। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूडे टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स एंड अवेयर अदर्स टू डू द सेम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारे नॉर्म्स को फॉलो करें और दूसरों को भी नॉर्म्स फॉलो करने के लिए अवेयर करें। ठीक है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सो अच्छे के लिए उम्मीद कर सकते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, गुड नाइट। अब यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नेम सुमन। तो इस तरह से आप जो है डायरी एंट्री कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आपको डायरी एंट्री करते हुए सबसे मेन जो ध्यान रखना है वो है उसका फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट जो है डायरी एंट्री का वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सो फॉर्मेट में आप जैसे इसको एक बॉक्स में लिखेंगे, और सबसे मेन जो है यहाँ पे क्या है कि डेट और डे का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप टाइम भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन टाइम जो है वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो। और सबसे मेन है फिर सैल्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे डियर डायरी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि डायरी जो है वो आपके एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होती है। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अगर अहमियत नहीं देते हो तो क्या होगा, वो बुरा मान जाएगा। इसी तरह ये डायरी होती है आपकी, डायरी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, सो उसको आपको सैल्यूटेशन देना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, डियर डायरी लिखेंगे और इसको बॉक्स में लिखेंगे, और उसके बाद जो है लास्ट में आप अपना नाम वो ज़रूर लिखेंगे। सो इस तरह से आप डायरी एंट्री कर सकते हो, और इसमें आप अगर चाहो तो और भी मैटर जो है इसमें लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप जो है अपनी डायरी लिखना। ठीक है बच्चों, आपकी आज की वर्कशीट, आई होप स्टूडेंट्स आप सबको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।